से आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आलू मटर के कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा लजीज बनते हैं। फाइनल लुक आप लोगों के सामने, बहुत ही ज़बरदस्त। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आलू मटर के कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने मटरों को भी बॉईल कर दिया और आलूओं को भी बॉईल कर दिया। इनको हम लोग एक बाउल में ले लेंगे और मैशर की मदद से इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने मैश करना है, बहुत ही अच्छी तरह से इनको मैश करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ऐसे ठीक है, ताकि मटर भी इसमें मैश हो जाए अच्छे तरीके से। जितना अच्छे तरीके से मैश करेंगे उतने ज़बरदस्त आपके ये कोफ्ते तैयार होंगे। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें लाल मिर्ची का पाउडर, हसबे जायका नमक और गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितनी ज़बरदस्त आप मिक्सिंग करेंगे उतने ज़बरदस्त आपके ये कोफ्ते तैयार होंगे। अब हम एक प्लेट लेंगे और इसमें कोफ्तों को बनाकर रखते जाएंगे ऐसे, ठीक है। कोफ्तों की शेप आप लोगों को बनाना आती होगी, थोड़ा सा बैटर लें और इसको ऐसे गोल करते रहें। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते बन रहे हैं। ऐसे आप लोगों ने बनाते जाना है इसको। तमाम कोफ्ते मैंने बना लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। फ्राई के लिए मैंने ऑयल ले लिया एक पैन में। अब हम इन कोफ्तों को इनमें ऐसे रखते जाएंगे। उस वक्त तक साइड चेंज नहीं करनी जब तक एक साइड इनकी पक ना जाए। तो दो मिनट इनकी साइड को पकने देते हैं, फिर इनकी साइड को चेंज करेंगे। आप लोग देख सकते हैं दो मिनट के बाद मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। तमाम मैंने कोफ्ते फ्राई कर दिए हैं। अब इसका मसाला भूनेंगे। मसाला भूनने के लिए ऑयल मैंने ले लिया। इसमें मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट, जो है तमाम चीज़ें मैंने मिक्स करके इन चीज़ों का पेस्ट बना लिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अच्छी तरह से इसको भूनेंगे जब तक ऑयल ऊपर ना आए, तब तक इसको भूनते हैं। आप लोग देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, चाइनीज़ सॉल्ट, भुना हुआ धनिया और ज़ीरा, ये चीज़ें इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले ना जलें और अच्छी तरह से भुन जाएं। ऑयल के ऊपर आने तक इसको भुनेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो दो मिनट मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। दो मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कोफ्ते। ऐसे आप लोगों ने हल्के हाथों से इसमें ऐसे रखते जाना है और तकरीबन पाँच मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ देना है, क्योंकि आलू और मटर तो हमारे वैसे भी गल चुके हैं। तो सिर्फ ढककर पाँच मिनट दम पे रखेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी। ऐसे आप लोगों ने एक एक करके रखते जाना है और पाँच मिनट मैं इसको ढक के दम पे रख रही हूँ। पाँच मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये कोफ्ते लग रहे हैं। अब मैं इस पर डाल दूँगी हरा धनिया, ठीक है। हरा धनिया डाल दिया, बहुत ही अमेजिंग। आप लोग बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।